Thank you. मेरा आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से आग्रह है कि इस अवसर पर मीडिया को संबोधित भी करें. मित्रों, श्री भुवनेश कलिता जी का भारतीय जनता पार्टी में हम विधिवत स्वागत करते हैं. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास का कार्य किया है और आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार भी देश के हर भाग में होने लगा है. उत्तर पूर्वी राज्यों में भी, अरुणाचल में, मणिपुर में, त्रिपुरा में और आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. मेघालय में, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ सरकार में है और पिछले एक कार्यकाल में उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास का अभूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है. विगत दिनों जो पूरा सत्र निकला है, उस सत्र में चाहे बालकों के खिलाफ लैंगिक अपराध के लिए कानून पास करना हो, चाहे महिलाओं की सामाजिक कुरीतियां निपटाने के लिए ट्रिपल तलाक जैसा कानून पास करना हो, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंसॉल्वेंसी कोड में परिवर्तन का विषय हो, नया अनरेगुलेटेड फंड के लिए का विषय हो, चाहे देश में स्वास्थ्य विषयों को सुधारने के लिए मेडिकल कमीशन जैसा बिल हो, सरकार ने बहुत दूरदृष्टिपूर्ण अपने कार्य के माध्यम से देश के लोगों को व्यवस्था दी है जिस व्यवस्था के द्वारा वो विकास कर सके. और उसी क्रम में संसद में भारत में भारत की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाते हुए और जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए जो संविधान की एक टेम्परेरी धारा थी 370 को समाप्त करके एक बड़े संवैधानिक संशोधन का एक ऐतिहासिक काम किया है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी बधाई के पात्र हैं. एक ऐसे अवसर पर जब कांग्रेस पार्टी अपने आप में भ्रम की स्थिति में थी, अनिर्णय की स्थिति में थी, देश के विकास के योगदान में उनको एक प्रकार का संशय जो कांग्रेस के मन में है, लेकिन एक नए भारत के निर्माण के संकल्प के लिए श्री कलिता जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को की सदस्यता को स्वीकार किया है, हम उनका स्वागत करते हैं. और एक लंबे सांसद के रूप में, जिनको चार बार सांसद का रूप का अनुभव है, विधायक का अनुभव है, संगठन का, कांग्रेस का अनुभव है, लेकिन आज उनको भी ये लगने लगा है कि एक नए भारत के संकल्प के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक व्यापक रूप से आगे बढ़ा जा सकता है. और इसलिए वो स्वयं कांग्रेस के सभी पदों से त्यागपत्र देके, कांग्रेस के सांसद के रूप में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देके एक बहुत ही सकारात्मक भावना के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं. पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं. मैं आशा करता हूं उनका ये जो विधायी कार्य का जो अनुभव रहा है, लंबे समय तक वो एक सदन के सदस्य रहे हैं, उन सारे अनुभवों का एक रचनात्मक योगदान भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा. उत्तर पूर्वी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रूप में भी वो एक हमारी इस देश के निर्माण की, देश को आगे बढ़ाने की यात्रा के सहभागी बनेंगे. उन्हें मैं उनका स्वागत करता हूं. हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री पीयूष गोयल जी से भी मैं आग्रह करूंगा वो भी इस समय में दो शब्द कहें और उसके बाद भुवनेश्वर कलिता. बहुत बहुत स्वागत है माननीय भुवनेश्वर कलिता जी का भारतीय जनता पार्टी में. और जैसा मेरे मित्र, मेरे भाई श्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा, वास्तव में एक बेदाग चरित्र राजनीतिक जीवन में लंबे अरसे तक माननीय कलिता जी ने समाज सेवा, देश सेवा में अपना योगदान दिया. आसाम, पूरे उत्तर पूर्व
और फिर देश के राष्ट्रीय राजनीति में जिस प्रकार से उनका लगातार अनुभव रहा, योगदान रहा, देश के प्रति जिस प्रकार से वो समर्पित रहे, अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आसाम में उनका काफी बड़ा प्रभावी काम रहा है। और मैं तो 2010 से पार्लियामेंट में आया हूं, तब से मैं देख रहा हूं एकदम सरल स्वभाव, बहुत ही हसमुख तरीके से अपना कामकाज करना। पहले सत्तारूढ़ पार्टी थी, फिर विपक्ष में, दोनों में उनके स्वभाव में मैंने कभी कोई परिवर्तन नहीं देखा, उनके व्यवहार में कभी कोई परिवर्तन नहीं देखा। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती है कि इतने अच्छे व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़े हैं, और एक सैद्धांतिक मुद्दे पे उन्होंने इतने लंबे अरसे का कांग्रेस का साथ छोड़ा। मैं समझता हूं अपने आप में बहुत साहस की बात काम है, बहुत हिम्मत का काम है कि एक सैद्धांतिक मुद्दे पे कि भारत को की एकता और अखंडता के लिए जब बहुत बड़ा फैसला संसद करने जा रही थी, तब एक चीफ व्हिप होने के बावजूद उनको लगा कि ये विषय पे सरकार सही कदम उठा रही है। कश्मीर में जिस प्रकार से, जम्मू कश्मीर में वर्षों तक अन्याय रहा, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार जारी रहा, जिस प्रकार से विकास नहीं पहुंचा, उसके प्रति अपनी संवेदना भी दिखाते हुए और भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपना संकल्प दिखाते हुए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के अपनी सदस्यता भी छोड़ी। मैं समझता हूं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमसे बाद में जब चर्चा हुई तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, उनको आमंत्रण दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और आगे भी राजनीति में अपना योगदान लगातार दें। और मुझे बहुत आनंद है कि कलिता जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, उनका तहे दिल से आज हम सब पार्टी में स्वागत करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इनके अनुभव से और इनके योगदान से भारतीय जनता पार्टी में और हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा, और आगे के कार्यकाल में इनके सहयोग से उत्तर पूर्व में, आसाम में और राष्ट्रीय राजनीति में, तीनों में हम उसका लाभ ले पाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है कलिता जी। धन्यवाद आदरणीय यादव जी, पीयूष गोयल जी, बालूनी जी और मीडिया के साथियों और मित्रों, आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है आपके बीच में आकर। एक देश में एक परिस्थिति हो गई थी और अभी भी है कि देश को कैसे मजबूत बनाना है, नेशनलिज्म को कैसे मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में आज ये देश मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। मजबूती सिर्फ काम में, इरादों में और सिद्धांतों में, ये तीनों चीज जरूरी है जहां मजबूती चाहिए। और ये तीनों में पिछले समय में हम देख रहे हैं कि जो भारत की जो इंटीग्रेशन है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तर पूर्वी राज्य हो या दक्षिण के राज्य हो, हर जगह आज नेशनलिज्म मजबूती की तरफ उभर रही है, मजबूती की तरफ जा रही है। जब धारा 370 की बात आई और धारा 370 की विरोध में हम थे, और हमारे मेरे पूर्व पार्टी कांग्रेस में भी मैंने ये बात कही
नेताओं से और कई साथियों से मैंने किया, लेकिन कोई खास निर्णय नहीं आ रहा था। एक तरह की ऐसी स्थिति थी कि कोई इस पर डायरेक्शन, निर्णय कुछ भी नहीं आ रहा था। और जब मैंने देखा कि इस हालत में देश को मजबूती की ओर ले जाना है, इंटीग्रेशन की तरफ ले जाना है, तो हर पार्टी को मजबूती दिखानी है राष्ट्रहित में और राष्ट्रीय एकता के लिए। और मैंने देखा कि जब मेरे पार्टी में कोई उस समय कोई निर्णय नहीं था, तो मैं और बाद में जब ये धारा 370 का समर्थन की तरफ बढ़ रहा था, कांग्रेस की जो राय है, तो मैं इसका विरोध किया। और क्योंकि मैं उस समय कांग्रेस में था, तो मैं सदन में इसका विरोध नहीं कर पा रहा था, तो मैं सदन से ही इस्तीफा दे दिया और ये धारा 370 का मैंने समर्थन किया। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो मजबूती और मजबूत कदम उठाया है, उसको स्वीकार करके, उसको समर्थन करके मैं कांग्रेस से इस्तीफा दिया और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं। मुझे खुशी है और मुझे कॉन्फिडेंस है मेरा कि आगे चाहे उत्तर पूर्वी राज्य हो, जहां आज ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन की जरूरत है, जहां डेवलपमेंट की जरूरत है, जहां हमारे जितने आदिवासी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आज पहाड़ी राज्यों की जो समस्या है, उस समस्याओं का आज समाधान की तरफ जा रहे हैं। और खास करके जो एक्टिव पॉलिसी जो लिया गया है, वो एक्टिव पॉलिसी पहले ये पेपर में थे, आज ये वास्तव में हो रहा है और वास्तव में ये उभर के आ रहा है। और ये हमारे प्राण के लोग, उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों के लिए खुशी का समय है। और ये कदम जो जम्मू कश्मीर में लिया है, इस कदम बहुत महत्वपूर्ण कदम है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आगे जम्मू कश्मीर के लोगों का भी भला ही होगा, अच्छा होगा, डेवलपमेंट होगा, इंटीग्रिटी बढ़ेगी और हमारे देश एक देश की तरफ और एक देश हो सकेगा। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश किया है कि हिंदी में बोलने के लिए। तो मैं आखिर में पुनः आप सबको धन्यवाद करते हुए मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।